right, let's go. गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचेन। अभी टाइम हो रहा है 6:45। सुबह 5 बजे उठ गया था मैं, और 5 बजे उठने के बाद सबसे पहला जो मैंने काम किया था वो था कि पीकू को मैंने स्टार्ट करके ना कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे डर किस चीज़ का था कि गाड़ी अगर ज़्यादा ठंडा पड़ जाएगा तो स्टार्ट लेगा नहीं। कुछ टाइम के लिए मैंने इंजन को गर्म होने के लिए छोड़ दिया, और फिर नाउ आई एम गुड टू गो। अभी उसका टेंशन एटलीस्ट अपने को है नहीं। इनकेस अगर आपको नॉर्थ सिक्किम का ना मैप का अगर नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आने के लिए जो सेंटर पॉइंट है वो चुंगथांग है। चुंगथांग से दो रास्ते निकल जाते हैं। जो सबसे पहला रास्ता निकलता है दैट इज टूवर्ड्स लाचेन, जहाँ पे आज हम है। अब हम निकल जाएंगे गुरुडोंगमार के लिए। गुरुडोंगमार करके हम वापस इस लोकेशन में आएंगे, बैक पैक करेंगे, सामान जो भी है यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा मैं, सामान यहाँ पे पैक करूँगा वापसी में, और फिर मैं निकल जाऊँगा चुंगथांग होते हुए लाचुंग की तरफ। लाचुंग से हम एक्सप्लोर कर लेंगे 0 पॉइंट। ये जो है मेरा कल का प्लान है। अभी पैकिंग में मैंने क्या किया बता देता हूँ। यहाँ पे जो सामान मेरे को लगेगा गुरुडोंगमार के लिए वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑक्सीजन कैन। डायमॉक्स मेडिसिन मैंने कैरी किया है, क्योंकि लास्ट टाइम का मेरा गुरुडोंगमार का जो एक्सपीरियंस था उतना अच्छा था नहीं, क्योंकि सांस है ना काफ़ी ज़्यादा फूल रही थी। और इनफैक्ट कल मेरे को एक राइडर मिला था जो गुरुडोंगमार करके आ रहा था, उसने भी मुझे सेम एक्सपीरियंस बताया। तो एज अ सोलो राइडर मैं इतना रिस्क लूँगा नहीं, तो आगे जाकर मैं ब्रेकफास्ट करूँगा और उसके बाद मैं एक डायमॉक्स मेडिसिन ले लूँगा जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। दूसरी चीज़ जो मैंने कैरी किया परमिट। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल चेक पोस्ट मिल जाएंगे आर्मी के, तो परमिट कैरी करना ज़रूरी है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हो ये लाचेन एरिया का कुछ नज़ारा है। ये पहाड़ देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। और मुझे लोकल्स ने बताया कि अराउंड 15 दिसंबर के बाद यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो माइनस में पहुँच जाएगा। तो चलो फिर जल्दी जल्दी राइड स्टार्ट करते हैं गुरुडोंगमार के लिए, और मिलते हैं आपको रास्ते पे। लेट्स गो। निकलते भाई ने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और डायमॉक्स लेते और फिर निकलते, पानी भी भर लेता हूँ इधर ही। मैं जहाँ पे स्टे कर रहा हूँ यहाँ का डाइनिंग हॉल कुछ ऐसा है। ये आपको टिपिकल अरेंजमेंट है ना, हर जगह आपको ऐसे ही कुछ मिलेगा। और ये जो है किचन एरिया है, यहाँ से होममेड फूड मिलेगा। ब्रेकफास्ट में चाय, ब्रेड एंड सम जैम। Hardly 5 minutes, we started with the ride, और ये है कुछ नज़ारा। ये कुछ नज़ारा है, सनराइज का टाइम हो गया है। ये देखो और ये नज़ारा, this is what I want। अभी निकलते हाथ है ना मेरा लिटरली नंब हो चुका है, बट अब ऐसा हो गया ना यार, एडवेंचर में मेरे को ना पीस मिलने लग गया है। और अगर मैं कोई बोरिंग लोकेशन में जाना चालू करूँ ना जहाँ पे एडवेंचर ना मिले, पता नहीं दिल ही नहीं करता है, मेरा तो दिल ही नहीं करता है कि मैं ऐसे कोई सॉफ्टी लोकेशन में जाऊँ। ट्रस्ट मी, मैं गैंगटॉक में 2 दिन मैंने स्टे किया, मैं मॉल रोड देख के ना मेरा मूड ख़राब हो गया मेरा। मैं बोला यार इधर मैं क्या करूँ, इधर ये तो मेरा लायक जगह है ही नहीं यार। मतलब नो डाउट इट इज़ नॉट ब्यूटीफुल, बिल्कुल भी ये डाउट नहीं है कि खूबसूरत नहीं है, बट यार अपने लिए नहीं है यार। ना, दिस दैट इज़ नॉट फॉर अस। अपने को चाहिए यार तकलीफ, अपने को चाहिए थोड़ा
कष्ट चाहिए अपने को राइड करते वक्त, पता नहीं इससे मेंटली तो स्ट्रांग हो जाता है बंदा, मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसे चैलेंजेस लेने से मेंटली काफ़ी फ़र्क पड़ता है, मेंटल पीस में काफ़ी फ़र्क पड़ता है यार। एडिक्शन है, दिस इज़ काइंड ऑफ एडिक्शन लाइफ में ना, मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, शायद आप इससे सहमति ना रखो, मेरे हिसाब से हर एक को ना लाइफ में अपने आप को एक मौका देना चाहिए ऐसे एरियाज में आके ना एक महीना लोकल के जैसा स्पेंड करने का, जस्ट लाइक अ लोकल, इधर का काम करो। टूरिस्ट आते तो उनका थोड़ा नवाबी शौक पालते हुए आते हैं, आए आराम किया, रेडीमेड खाना मिल गया, नहीं ऐसा नहीं। लिव लाइक अ लोकल, वर्क लाइक अ लोकल, एक महीना दो महीना, एंड सी क्या डिफरेंस आता है, फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, क्या कंडीशन चेंज होता है, ये देखना चाहिए, हर एक को देखना चाहिए अपने लाइफ में। रोड तो इधर का काफ़ी अच्छा बन चुका है, अगर पिछले बार से कंपेयर किया जाए तो रोड अभी काफ़ी अच्छा बन चुका है, आगे जाके शायद ऑफ रोड अच्छा खासा मिल जाए, बट इफ़ यू कंपेयर इट विद बिफोर, रोड कंडीशन इधर काफ़ी सुधर चुका है। टेम्परेचर का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, वहाँ देखो पाइप फट के ना लीक हो रहा है, ये देखो दिख रहा है, और जो लीक हो रहा है ना ये पूरा बर्फ़ जम चुका है, इनफैक्ट ये जो पूरा पानी बह के आ रहा है ना ये देखो काफ़ी बर्फ़ जम चुका है, ये देखो इधर देखो रास्ते में जो बह रहा है ये भी जम चुका है। जस्ट इमेजिन टेम्परेचर, इमेजिन कर लो भाई, अब ये देख लो ये लोकेशन लद्दाख से कम नहीं है, मैंने बोला था ना, ये देखो ये जो ब्रिज देख रहे हो आप, दिस इज कैलेपचू ब्रिज, रिवर का नज़ारा, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट भाई गोप्रो बैन कर दिया है तो तुम्हारे भाई को यही दिमाग लगा सका तुम्हारा भाई। बाइकर लोगों के लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कभी भी अगर गुरु डोंगमार लेक निकल रहे हो ना, स्पेशली अगर सोलो हो, चलो ग्रुप में भी हो, तो एकदम अर्ली मॉर्निंग मत निकल जाना, क्योंकि सीन क्या होता है, अभी आपको मैंने पीछे दिखाया ना बर्फ जमता है, तो बहुत बार सीन क्या होता है आइस रास्ते में जम जाता है, तो पहले ना कुछ ट्रैफिक को आगे जाने दो, वो रास्ता कटने दो, बर्फ भी थोड़ा देर में मेल्ट हो जाएगा और गाड़ियाँ चलती रहेगी, तो वो सीट जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हो गया था मालूम है, रास्ते में ऐसा पानी बह रहा था, और जब रास्ते में पानी बह रहा था बाइक मेरी स्कीड होकर घसड़ के नीचे गिरी थी, तो तब मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि थोड़ा आगे ट्रैफिक जाने दो, क्योंकि लास्ट टाइम ना मैं 5:30 बजे निकल चुका था ऑलरेडी। ये देखो पूरा फ्रोजन है, कंप्लीट फ्रोजन है, ये देखो बीच में पानी बह रहा है, अदर देन दैट फ्रोजन है। पहला चेक पोस्ट अभी क्रॉस किया है, थांगू में परमिट शो करके स्टैंप लेना है। अरे यार फिर पीछे आर्मी का कैंप था, वहाँ पे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, बताता हूँ क्या सीन हुआ, मुझे एक आर्मी ऑफिसर मिले, वो भी वेस्ट बंगाल से थे, तो उन्होंने मेरा ना, मैं भी आर्मी का पैंट पहना हुआ हूँ, तो उनको लगा मैं भी आर्मी से हूँ, तो उन्होंने पूछा आगे तक ड्रॉप कर दोगे, तो मैंने बोला बिल्कुल सर, आपको ड्रॉप करना हमारी खुशनसीबी है, तो उनको ड्रॉप करते करते ऐसी बातचीत हो रही थी। आई विश वो मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर पाता यार, दिस मेड माई डे। आज दो चीज़ ने ना मेरा मूड बना दिया, एक तो वो बछड़ा दूध पी रहा था वो देख के मेरे को कितना अच्छा लगा, और दूसरा चीज़ आर्मी ऑफिसर मेरे साथ, छोटा सा राइड हुआ बट एक आर्मी ऑफिसर के साथ मेरा राइड हो गया। कभी भी लाइफ में मैंने किसी आर्मी ऑफिसर के साथ पिलियन में बैठा के मैंने राइड नहीं किया, ये भी कंप्लीट हो गया। Let's go.